सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं बरतानवी हुकूमत से अपनी जिंदगी की जमानत मांगना चाहता हूँ। जिस मौजू पर हमारी बात हुई थी, उस हवाले से परेशान हूँ मैं। अहमद जलालुद्दीन पाशा को फौरी तौर पर पेरिस भेज दिया जाए। आप दुरुस्त थी, कुछ खानदानों तक सामान नहीं पहुंचाया गया। वजीर आजम पाशा इस वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में बरतानिया के साथ रियासत का सौदा कर रही है। सुल्तान वाजम का हुक्म है, आप पेरिस जा रहे हैं और वहां मुखालिफिन पर नजर रखेंगे। खबर मिली है कि अहमद पाशा को सुल्तान अब्दुल हमीद ने पेरिस भेज दिया है। खोलो। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सलीम पाशा, ये क्या कर रहे हैं? बाबा को छोड़ दीजिए। टी शर्ट जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। सलीम पाशा, खुदारा मेरे बाबा को छोड़ दीजिए, खुदारा। बाबा, बाबा। बाबा, बाबा। पुरसुकून हो जाओ। बाबा। सबाती। बाबा। बाबा। मीरलिवा हसन पाशा, सुल्तान मौजम जैसे उसे होश आया हम यहां ले आए। आप एक माहिर निशानेबाज हैं पाशा, कत्ल किए बगैर किसी को जिंदा पकड़ना महारत है। हमें इस हद्दार से बहुत सी अहम बातें पूछनी हैं। दरवाजा खोलिए। चलिए अब बताइए जिया पाशा, आपने पूरी जिंदगी जिस रियासत के लिए काम किया और जिसके अखराजात पे अपने खानदान की कफालत की, फिर महमूद जलालुद्दीन के साथ उसी का सौदा क्यों कर दिया?
सांजा खानदानों की मालूमात आपके अलावा और किसको मतलूब है, बताइए। मैंने खुद को इस राह पर कुर्बान कर दिया है, कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। सुल्तान मौसम, मैं जानता हूं ये इस तरह नहीं बोलेगा, अगर आप इजाजत दें तो। दरवाजा खोलो। सब बोलने पर आमादा हो जाओगे और हमें सब कुछ बता दोगे। मुझे मार भी दो तब भी कुछ नहीं बताऊंगा। हमें और खुद को मजीद आजमाइश में मत डालो, बोलो। ये जान लो कि फौज में तंजीम बंदी हो चुकी है। इस रियासत को बचाने का वाहिद रास्ता कोई बड़ी रियासत नहीं बल्कि एक छोटी खुद मुख्तार रियासत बनाना है। पाशा बस कीजिए, काफी है। फिर वही बातें, वही अल्फाज। छोटे लोग यही सोचते हैं कि हम ये सब करने के बावजूद भी बच जाएंगे। हम अपनी सरजमीन दे दें, उस्कुप दे दें, सलानिक दे दें, कुद्स दे दें और इनसे बच जाएं। लेकिन क्या ये लोग अनकरा, कोनिया या इस्तांबुल नहीं चाहते? हम आपसे जो पूछना चाहते थे वो आप हमें बता चुके हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन हैं। इन्हें अस्करी कवानीन के मुताबिक सजा दी जाए। फिर से बंद कर दो। सलीम पाशा अपने होश खो बैठे हैं, वो बाबा को उठाकर ले गए यहां से। अब हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मैं जानता हूं शायद मुझे ये नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये महमूद पाशा की जिंदगी का मामला है, इसलिए मुझे बताना होगा। तो बताइए तलत साहब। महमूद पाशा को बचाने का एक तरीका है। एक खुफिया तंजीम है जो महमूद पाशा ने कायम की थी। भला कैसी तंजीम है वो, जरा हमें तफसील बताइए तलत साहब। मैं अभी बस इतना ही बता सकता हूँ, इसरार मत कीजिए जनाब का रसू। तो फिर हमें जाकर उन लोगों से बात करनी चाहिए। ये जैसी भी तंजीम है हमें जाकर उनसे मिलना होगा फौरन, ताकि बाबा को बचाया जा सके। चलिए तलत साहब। सुल्तान मौजम, आइए बेटे। हमने जिस शख्स को देखा था उसे पहचान चुके हैं, मीर लिवा हसन पाशा। बजाहिर ये भी इस तंजीम का हिस्सा है। आप इनका ताकुब करके मालूम करेंगे ये कहाँ है। रुकिए बेटे, अभी एक मेहमान आ रहे हैं। सुल्तान मौजम, ये नजीब पाशा हैं, सलीम पाशा के भाई। सुल्तान मौजम, हमने महमूद को सिफारत खाने से निकाल कर एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। सलीम पाशा को अस्पताल से ले जाने के बाद नजीब पाशा हमारे पास आए और हमने इनके साथ मिलकर मंसूबा बनाया। ये पिस्तौल के जोर पर महमूद जलालुद्दीन को सिफारत खाने से निकाल लाए हैं। सुल्तान मौजम, नजीब पाशा रियासत के पाशा है, इनका पिस्तौल लेकर सिफारत खाने में दाखिल होना मुश्किल खड़ी कर देगा। नजीब पाशा नहीं बल्कि सलीम अंदर गया था। सलीम इस रियासत का पाशा नहीं है, वो रियासत का दुश्मन है। अब महमूद जलालुद्दीन हमारी कैद में है। वजीर आजम पाशा ने मालूम किया है कि रिवाल इजलास की तैयारी की जा रही है और एक तंजीम है जो संजय खानदानों के नाम जानना चाहती है और ये बात हमें मालूम है। और ये तंजीम हमारी रियासत को एक छोटी खुदमुख्तार रियासत में तब्दील करने की ख्वाहिशमंद है।
हमने अपने शहीदों का खून देकर इस रियासत को हासिल किया है। ये तंजीम हमारी इस रियासत का सौदा कर रही है अपने मफाद के लिए, और जब आप पूछेंगे तो कहेंगे कि रियासत के मफाद के लिए ही सब। ये तंजीम दुश्मन के लिए काम कर रही है। इस तंजीम को जड़ से खत्म करना होगा बेटे। अब आपका फरीजा यह है कि हसन पाशा का ताकुब करना है। नजीब पाशा, महमूद जलालुद्दीन को बचाने के लिए यह तंजीम आपसे राब्ता करेगी। हमें इसकी भरपूर तैयारी कर रखनी चाहिए। ताहिर पाशा आपके साथ जाएंगे और दूर से मामलात पर नजर रखेंगे और मंसूबा बंदी भी करेंगे। इसद पाशा के बारे में मुहतात रहिएगा, हो सकता है कि वो भी दुश्मन का अलगकार हो। शहजादा अहमद नूरी ने इस शख्स की शिनाख्त की है। हसन पाशा हमारे ख्याल से ये भी तंजीम के लिए काम करते हैं। इस शख्स का चेहरा जहन नशीन कर लीजिए ताहिर पाशा। किसी के आने की तिला मिली है क्या? मालूमात है तुम्हारे पास? बहुत खून बहाया जाएगा। देखो इसे, किस कदर जोश है इसमें। हां मगर मारना किसको है? लेवोन, जी बाबा। एक काम मिला है हमें, तैयारी कर लो। कैसा काम है बाबा? इंतकाम लेना है हमें। पायतख्त में हमारे लिए काम करने वाले मिका को मार दिया गया है। किसने मारा है? अशरफ अजीज ने, वही जिसने बरसों से पहाड़ों पर हमारी जिंदगी अजाब बना रखी थी। पहले वो इतना अरसा हमारे पीछे पड़ा रहा और अब मिका की जान ले ली। याद रखना, मिका तुम्हारा भाई था और तुम सब भी आपस में भाई हो। तुम्हें मिलकर अपने भाई का इंतकाम लेना होगा। क्या उसने हमारे लिए यह भेजा है? हाँ बिल्कुल। ससून में उसने हमें कैसे शिकस्त दी इसमें यह लिखा है, और उसने यह भी बताया है कि वो कैसे रियासत के बागियों का खात्मा कर रहा है। मगर एक बात शायद वो नहीं जानता कि हम ना ही हार मानते हैं और ना ही पीछे हटते हैं, और तुम लोग उस पर हमला करके ये बात साबित कर दोगे। अशरफ अजीज को मारना है, मिका के बाद अब यह हमारी जिम्मेदारी है। हम अशरफ अजीज की जान लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उसे मारे बगैर हम वापस नहीं आएंगे बाबा। अगर तुम नाकाम लौटे तो मैं खुद तुम सबकी जान ले लूंगा। अब फौरन जाओ और ये काम मुकम्मल करो, और अशरफ अजीज की जान लिए बगैर, मिका का इंतकाम लिए बगैर वापस लौटने के बारे में सोचना भी मत। लिवोन, जी बाबा। जा ही रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ। इस्तांबुल की तबाही का सामान साथ लेते जाओ। सुल्ताने मुअज्जम, खुशामदीद मलिका। थोड़ा वक्फा ले लीजिए, आप थक गए होंगे। सहरी का वक्त हो चुका है, कुछ खा लीजिए। आलिया सुल्तान और फातिमा सुल्तान भी आपकी मुंतजर हैं। ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी से आपकी मेहमान यकीनन खुश होंगी। जी बिल्कुल सुल्ताने मुअज्जम,
लेकिन जैसा हरम की जिंदगी के बारे में उन्होंने सोच रखा था उसके बरक्स ये सब देखकर वो काफी हैरान हुई। यानी उनका यहाँ कयाम उनको हैरानी में मुब्तला रखेगा। हमारी कोशिश है कि हम उनको हरम की तर्ज जिंदगी और सल्तनत उस्मानिया से बेहतरीन अंदाज में मुतारिफ करवाएं। आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी इंशाल्लाह। सुल्तानी मौजम, मेरी साहिबा आपसे भी मुलाकात करना चाहती थी लेकिन हमने आपकी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें इनकार कर दिया। अच्छा किया आपने मलिका, बहुत अच्छा किया। इस मुबारक महीने में हम काम के बाद बच जाने वाला वक्त इबादत में सर्व करना चाहते हैं। चलिए। कोई मसला है? नहीं भाई, कोई मसला नहीं। आला, बेसियान से कहो हमारे पैर तक पहुंचने से पहले तैयारी मुकम्मल कर ले। हम बंदरगाह पे गिरफ्तार तो नहीं होंगे ना? सिपाहियों की तवज्जो हंगामे की तरफ होगी और हम आराम से इस्तांबुल पहुंच जाएंगे। अशरफ अजीज को पैतख्त में हमसे की गई हर ज्यादती का हिसाब देना होगा। बेफिक्र रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमांडर, सिपाहियों को खबर कर दी है, बंदरगाह पे मुहाफिज तैनात कर दिए हैं। सासून से आने वाले मुसाफिरों की खासतौर पर तलाशी ली जाएगी। माजी में भी अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे एक तरफ रोक कर हमें खबर कर दी जाएगी। आप जैसे माहिरीन को देखकर हमें अपनी रियासत का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। हमें कुछ नामुनासिब खबरें मौसूल हुई इसलिए हम खुद आपसे मिलने के लिए चले आए। खुशामदीद सुल्तान मौजम, आपकी आमद हमारे लिए शर्फ का बाइस है। आजकल आप लोग किस चीज पर काम कर रहे हैं? हम में से कुछ हिजाज रेलवे पर काम कर रहे हैं। पुराने खराब पुर्जों की मुरम्मत और नए पुर्जे तैयार कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारे इन साथियों की है और मैं मिसाइल बर्दार आप दोस्त पर काम कर रहा हूं और हमारे कुछ साथी कारतूस बना रहे हैं और हमारी ये कामयाबी आपकी मेहरबानी से सुल्तान मौज़म। ये सब अल्लाह पाक की मदद से ही मुमकिन हुआ है। हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम रोमेलिया से दस्तबरदार हो जाएं तो दुश्मन पीछा छोड़ देंगे हमारा। आप सब इस रियासत के जहीन और कीमती नौजवान हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हम मुतालबा मान लें उनका? बताइए बेटे। सुल्तान मौज़म, मैं कालकान नामी एक गांव से ताल्लुक रखता हूं। आप ही मिसाइल बनाने वाले गुरु में शामिल हूं। इस रियासत ने मुझे रोमेलिया के एक गांव से उठाकर कामयाबी के इस सफर पर गामजन किया। अगर आप रोमेलिया से दस्तबरदार होते हैं तो मेरे जैसे कई जवान महरूम हो जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहेंगे कि हम इस सफर में पीछे रह जाएं? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं बेटे। सुल्तान मौज़म, माजरत चाहता हूँ। हमारे दुश्मनों को ऐसा लगता है कि मगरिबी लोग हमसे ज्यादा बेहतर हैं। वो मगरिब की रविश पर चलना चाहते हैं और हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम जवाल का शिकार हैं। उस्मानिया सल्तनत 200 साल से तरक्की पजीर है लेकिन मगरिब की तरक्की हमारे इल्म की बदौलत हुई है, इस पर कोई भी बात नहीं करता। आखिर क्यों? यही तो उनकी साजिश है बेटे। वो इस झूठी शान और शौकत के ज़ोम में है। दुश्मन हम पर कई दिहाइयों से गालिब आने की कोशिशों में है। हमने हमेशा उसका मुकाबला किया और कभी भी हार नहीं मानी। वो चाहते हैं कि हम अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें और दुश्मन के आगे घुटने टेक दें।
जबकि 300 साल पहले तक हम मगरिब से इल्म अदब में बहुत आगे थे और वो हमेशा धोखे से आगे निकलते रहे। तो फिर सुल्ताने मौज़म, हम रुमेलिया की जमीन का एक खित्ता भी उनके हवाले नहीं करेंगे, बल्कि जमीन तो क्या, हम रियासत के किसी दरख्त का एक पत्ता भी उनको नहीं देंगे, और अगर वो मुकाबला करेंगे तो हम उन्हें शिकस्त देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो हमारी हिम्मत बढ़ा दी। जब तक आप जैसे नौजवान हमारे साथ हैं, हमारे अवाम हमारी रियासत के साथ हैं, कोई बाल बीबी का नहीं कर सकता हमारा। हम पर भरोसा रखिए बेटे, अपनी रियासत का साथ दीजिए, अपनी कौम की खिदमत कीजिए। हालात जैसे भी हों, आपको हमेशा रियासत से वफादार रहना है। दुश्मन समझेगा कि हमें शिकस्त हुई है, लेकिन हम ही फतेहयाब होंगे। हमें कभी तन्हा मत छोड़िएगा, हमारा साथ दीजिएगा। और साथ देने का बेहतरीन तरीका यह है कि जिम्मेदारियों को ऐसन तरीके से निभाया जाए। आप नौजवानों पर हमें फख्र है, आप रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं, और ये रियासत आपकी ममनून रहेगी हमेशा। मेरी साहिबा ने रात को अपने कमरे में कहवा मंगवाया था। जब खादिमा कहवा लेकर गईं तो वो कुछ लिख रही थी। शायद वो सुबह तक काम करती रहीं, क्योंकि फजर तक उनके कमरे में रोशनी थी। यकीनन उन्होंने जो देखा है उसे हर्फ बा हर्फ लिखना चाहती होंगी। वो किससे बात करती हैं और किससे मुलाकात करती है, हम हर चीज जानना चाहते हैं। होशियारी से उन पे नजर रखिएगा। खादिमाओं में से कोई भी उन्हें हरम के बारे में मनफी मालूमात फराहम नहीं करेंगी, बेफिक्र रहें। मगर किसी ने तो मालूमात दी है ना, कोई ऐसा जिसे इल्म था कि रमजान का सामान कितने घरों तक पहुंचाया गया, यानी वो हरम से ही है। सामान की तैयारी में मदद करने वाली तमाम खादिमाओं से बात की थी मैंने, और कोई भी नहीं जानती कि इस बार सामान कम खानदानों को भेजा गया है। मगर कोई तो है जिसे मालूम था। वो जो कोई भी है, मैरी को ये मालूमात उसी ने दी है। और आपका मैरी साहिबा को हरम में ठहराने का मकसद भी यही है कि उस शख्स तक पहुंचा जाए। और हमें इस बात की भी उम्मीद है कि हरम के बारे में उनके नजरियात बदल जाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हरम में शाम का वक्त काफी दिलचस्प होता है। पहली रात मुझे मौसीकी की एक महफिल में शिरकत का मौका मिला, जिसके बाद पर्दे के पीछे का पुतली तमाशा भी दिखाया गया। सुबह बखैर मेरी साहिबा, आपका नाश्ता लाई हूँ। क्या मैं अकेले ही नाश्ता करूँगी? रमजान का महीना है, सालिया सुल्तान समेत तमाम अफराद का रोजा है, इसीलिए मैं आपका नाश्ता यहाँ ले आई। बहुत शुक्रिया। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं, ये नाश्ता पहले ही मेरे लिए काफी ज्यादा है, और किसी चीज की जरूरत नहीं। लुत्फंदोस हो। रुकना जरा, अब जबकि मुझे अकेले ही नाश्ता करना है तो क्या तुम कुछ देर मेरे पास रुक सकती हो? तुम कितने अरसे से यहाँ हो? 10 साल से। कभी फरार होने का ख्याल नहीं आया? फरार होने का नहीं। क्यों, क्या तुम आजाद होना नहीं चाहती? महल से बाहर जिंदगी गुजारना नहीं चाहती? मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा गया। अगर मैं चाहूँ तो हरम से जा सकती हूँ। अगर कोई खादिमा हरम से जाना चाहती हो तो वो मलिका को एक दरख्वास्त लिखती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे आपकी इजाजत मतलूब है। फिर मलिका उसके लिए जहेज तैयार करवाती है और रिश्ता तलाश करके उसे रुखसत कर दिया जाता है। और अगर कोई शादी ना करना चाहे? आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो तो उसे तहाइफ और रकम देकर जिस जगह वो कयाम करना चाहती हो वहाँ घर का बंदोबस्त करके इज्जत के साथ उसको महल से भेज दिया जाता है। यानी तुम अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हो? तुम हरम कैसे आई, कुछ बताओ मुझे। जब यहाँ आई तो बहुत छोटी थी मैं। बीदार सुल्तान ने मुझ पर दस्ते शफकत रखा। मैं कभी बीदार सुल्तान का हक अदा नहीं कर सकती। जब वो महल से गई तो मैं काफी अफसरदा हुई, सोचा मैं भी उनके साथ बुरसा चली जाऊं, मगर मैंने यहीं कयाम किया।
हम पहुंचने वाले हैं। जिस दिन भी आर्मीनी रियासत का कायम होगा, हर आर्मीनी की जुबान पर तुम्हारा ही नाम होगा बेसियन। कोई भी तुम्हारी कुर्बानी फरामोश नहीं करेगा। जैसे ही हम दूर चले जाएं, धमाका करके अपने आप को उड़ा लेना है तुम्हें, और घबराना मत। अब से कुछ ही देर बाद हम इस्तांबुल की गलियों में होंगे। खैरियत तो है कमांडर, क्या आपको कोई ऐसी परेशानी लाहक है जिसका हमें इल्म नहीं? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं उस्मान। मेरा बेटा मुझसे दूर है। अली उस्मान जब से पैदा हुआ है, मैंने कभी उसे खुद से जुदा नहीं होने दिया। वो जहां भी होता मैं उसे जाकर देख लिया करता था। मैं जब भी उदास होता तो उससे मिलने चले जाया करता था। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो जाती थी, और मेरी दुनिया उसके मुस्कुराते हुए चेहरे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अब वो बहुत दूर है। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ वो दूर होता जा रहा है, और मैं जानता हूं कि चाहे मैं जितना भी उदास हो जाऊं, लेकिन मिलने नहीं जा पाऊंगा उससे। ये वक्त भी गुजर जाएगा कमांडर। आपने हमेशा हर मुश्किल का डट के मुकाबला किया है, इस मुश्किल से भी निकल जाएंगे इंशाल्लाह। मगर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा उस्मान। ऐसा लगता है कि मैं दोबारा अली उस्मान को नहीं देख पाऊंगा। आपको ऐसा क्यों लगा कमांडर? जब आप एक सिपाही की जिंदगी बसर कर रहे हो और रोज ही आपका मौत से सामना हो, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मौत से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि एक दिन सबको मरना है। मेरी मौत करीब है उस्मान, किसी भी वक्त मुझे गले लगा सकती है। तौबा तौबा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कमांडर? मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे। अल्लाह हमें आसान मौत दे उस्मान, चाहे मौत आज हो या फिर कल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक हमें शहादत का मर्तबा हासिल करने वालों में शामिल करे, उन लोगों में जो अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर देते हैं। आमीन। मैं इतने बरसों से हालत जिहाद में हूं, लेकिन मुझे रोज इस बात की उम्मीद होती है कि मुझे सिर्फ शहादत की मौत नसीब हो। अल्लाह हमारी जिद्दोजहद को कबूल करे और हमें शहादत के मर्तबे पर फाइज करे। आमीन आमीन। अगर मैं अपने बेटे से दोबारा मिले बगैर शहीद हो गया, तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि अली उस्मान को भी मेरे जैसा सिपाही बनाना, रियासत और कौम की खिदमत करने वाला। अगर मौत ने मुझे दोबारा अपने बेटे से मिलने की मोहलत ना दी, तो उसका ख्याल रखना ताकि वो सेहतियाब होकर पाए तख्त वापस आ सके, और इसके बाद उसे बताना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है कमांडर, जैसा आप चाहें। Thank you.
आप जाइए। बात सुनना भाई, दूर हो जाओ और अपनी बंदूकें फेंक दो। अगर कोई होशियारी दिखाई तो यहाँ पर मौजूद सब मारे जाएंगे। मैंने कहा अपनी बंदूकें फेंक दो फौरन, वरना सबको मार दूंगा। हंगामा शुरू हो गया है, मौका देख निकलना होगा हमें। अगर तुम लोगों ने अपने हथियार नहीं फेंके तो याद रखना इन सबके साथ तुम भी मारे जाओगे। हथियार फेंको अपने, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? हथियार फेंको वरना मार दूंगा इसे। इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें कैसे मारूं बताओ मुझे। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। देखो, अब्दुल हमीद तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगा, ये तुम जानते हो। मेरे भाई, मेरे साथ पेरिस चलो, वहां तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। सलीम ने पिस्तौल बाबा के सर पे रखी और वो इतना मुश्तैल था कि हम कुछ कर नहीं पाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना जज्बाती था, हमें महमूद पाशा को बचाना होगा। हम पहले जिया पाशा, फिर अहमद पाशा और अब बदकिस्मती से महमूद पाशा को खो चुके हैं। उसका मकसद क्या होगा? मुझे क्या मालूम, शायद मारना। अगर वो महमूद पाशा को मारना चाहता तो वो उन्हें उसी वक्त मार देता। सलीम अपना नाम साफ करने के लिए महमूद पाशा को ले गया है। मुझे लगता है कि वो उन्हें सुल्तान के सामने पेश करेगा, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ नजीब पाशा थे। क्या नजीब पाशा बच गए? बिल्कुल सही सुना तुमने। आप लोग नजीब का ताकुब कर रहे थे ना? जो आलू में असलहे की एक छोटी सी दुकान है, उन्होंने वहां से दो पिस्तौलें खरीदी, शायद वो दोबारा वहां जाए। फिर हमें उस जगह जाकर देखना चाहिए। फिलहाल महमूद पाशा को बचाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब क्या करना है? सबाहद्दीन से रब्ता, फ्रांसीसी सफारतखाने एक खत भेजें जो सबाहद्दीन तक पहुंच जाए। क्या लिखना होगा खत में?
लिखें कि आप रकम के बदले महमूद पाशा को उनके हवाले कर देंगे और जब वो लोग यहां आएंगे तो हम उन सब को खत्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए काफी असलहा चाहिए होगा और हमारे पास सिपाही भी नहीं। सिपाहियों में से पहले भी कुछ महमूद के वफादार निकले थे। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, बस हम दोनों ही ये काम करेंगे। लेकिन हम रियासत का असलहा एक गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें असलहे की भी जरूरत होगी। इसके लिए क्या करें? मैं जानता हूं असलहा कहां मिलेगा। सलीम पाशा, ये आप हैं? हाँ मैं हूं। क्या आपने मेरी पेशकश पर गौर किया? हाँ किया। खूब, तो क्या आप राजी हैं? सलीम पाशा, हाँ बिल्कुल। सलीम पाशा, सलीम पाशा भाई, ये क्या किया आपने? धर्म में मौजूद लड़कियों के लिए मुख्तलिफ किस्म की तालीम और तरबियत का अहतमाम किया जाता है। मौसीकी, खत्ताती, मुसव्विरी, दस्तकारी और नक्श निगारी जैसे मुतअद्दिद फ़नून यहाँ सिखाए जाते हैं। सुल्ताना, ये मौसीकी का कमरा है। लड़कियां यहाँ मौसीकी के आलात बजाना सीखती हैं और साथ सुर व साज भी सीखती हैं। कल शाम मैं इस चीज़ का मुशाहिदा कर चुकी हूँ कि ये लड़कियां कितनी काबिल हैं। आप मश्क जारी रखिए, बैठ जाइए। बीदार सुल्तान के जाने के बाद आपने हरम में क्या तब्दीलियां की हैं? कुछ नहीं, हमने कुछ भी तब्दील नहीं किया। वैसे भी जब सब कुछ इतना मुनज्जम है तो तब्दीली की क्या जरूरत? यानी बीदार सुल्तान हरम का निजाम कामयाबी से चला रही थी, और अगर आप भी उनकी काबिलियत को मानती हैं तो सुल्तान मौजम भी यकीनन उनकी काबिलियत को मानते होंगे। बीदार सुल्तान के होते हुए सुल्तान मौजम की दूसरी बीवी का दर्जा रखना आपके लिए तो काफी तकलीफदेह होता होगा ना? महबूब को सिर्फ मुहिब की खुशी मतलूब होती है, और सुल्ताने मौजम खुश है, हमारे लिए यही काफी है। कुछ लड़कियां अपनी पसंद और जौक के मुताबिक मुसव्वरी के भी कई इसबाक लेती हैं। सुल्ताना, क्या आप हमारी मेहमान को लड़कियों की बनाई हुई तस्वीर दिखा सकती हैं? जी बिल्कुल सुल्ताना। देखिए, लाजवाब हैं ये सब तस्वीर, बहुत अच्छी हैं।
अब आप लोग अपना काम जारी रखिए। सुल्तान मौसम, बंदरगाह पर धमाका हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप पाशा? सुल्तान मौसम, पहले बंदरगाह पर मौजूद एक मुसाफिर को यर्गमाल बना लिया गया, उसके बाद वहां धमाका किया गया। मालूमात के मुताबिक ये धमाका सासुन से आने वाले एक मुसाफिर ने किया है। सुल्तान मौसम, क्या कोई जानी नुकसान हुआ है पाशा? जी सुल्तान मौसम, 3 सिपाही और 2 अफसरान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 2 शहरी भी जान बहक हुए हैं। 4 लोग जख्मी हैं, 2 सिपाही और 2 शहरी। सिपाहियों में से एक की हालत ज्यादा खराब है। या अल्लाह रहम फरमा। आमीन सुल्तान मौसम। इस वाक़े के बारे में क्या मालूम आता है? सुल्तान मौसम, एक मुसाफिर ने खुदकुश बम बांधा हुआ था। पहले उसने दूसरों की तवज्जो हासिल की और फिर हंगामा शुरू हो गया। उसी असना में उसके बाकी साथी वहां से फरार हो गए और उसने धमाका कर दिया। सुल्तान मौसम, इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। सुल्तान मौसम, हमलावरों में से एक शख्स जख्मी है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अशरफ अजीज साहब को हमारे पास बुलाइए, हम खुफिया कमरे में उनसे मुलाकात करेंगे। जी बहुत बेहतर सुल्तान मौसम। कमांडर, सुल्तान मौजम ने आपको महल तलब किया है। खैर तो है? धमाका हुआ है बंदरगाह पे, धमाका हुआ है, धमाका हुआ है बंदरगाह पे, धमाका हुआ है। यहाँ तो खजाना जमा है, ये सब किताबें बहुत कीमती हैं मालूम है। सुल्ताने मौसम हर नई आने वाली किताब का तर्जुमा करवाते हैं ताकि उन्हें सब पढ़ सके। खुसूसी तौर पर वो अहम तरीन तहरीरों को खुद भी पढ़ते हैं। मैं हैरान हूँ कि सुल्ताने मौसम को किताबें इतनी पसंद हैं। यकीनन उन्होंने ये किताब भी पढ़ रखी होगी। जी वो जासूसी नावल पढ़ते हैं। आपके सुल्तान काफी बाज़ौक शख्सियत हैं। काश मुझे उनसे मिलने और बात करने का एक मौका मिल सकता हो। मुमकिन नहीं। चलिए हम आपको बाकी हरम दिखाते हैं। मेरी को कल सुल्तान अब्दुल हमीद के मुहाफिज अपने साथ महल ले गए थे। मालूम हुआ है कि सौलिया सुल्तान ने उसे बुलवाया था। उसके बाद से मेरी की कोई खबर नहीं मिली। मेरी को महल क्यों बुलाया गया होगा? उसके मजमून की वजह से। उसने अपने एक मजमून में सौलिया सुल्तान पे तनकीद की थी। मुझे डर है कि मेरी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी हमारे लिए बहुत अहम है। मैं महल जाकर बजाते खुद सूरत हाल देखूंगा। आज बंदरगाह पर एक खूनी खेल खेला गया अशरफ अजीज साहब। पाए तख्त के अमनो सलामती की जिम्मेदारी आप पर है, फिर यह कैसे हुआ? हम बेगुनाहों का खून बहाने वालों से इस अमल का हिसाब जरूर लेंगे। आपने बताया था कि पायो तख्त में तशनक का एक फर्द अभी भी मौजूद है, क्या खबर है उसकी? हम उसे मार चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उससे जान छूट चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि बंदरगाह पर हमला करने वाले उसी के साथी हैं। हम हादसे में जख्मी होने वाले मुलजिम से पूछगछ करेंगे तो ये पासे हो जाएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि दुश्मन कोई इकदाम न करे।
कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि हमें दुश्मन के नापाक इरादों का मुकाबला न करना पड़े। लेकिन वो नहीं जानते कि हमसे दुश्मनी मोल लेकर कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। हम उनके खिलाफ अपनी ये जंग जारी रखेंगे सुल्ताने मौसम। मैं बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंचकर जिम्मेदारान को कड़ी सजा दूंगा। पाया तख्त एक नखलिस्तान है, पाया तख्त अंधेरी रात में चमकता हुआ सितारा है और उभरते हुए सूरज की रोशनी है। पाया तख्त रियासत को कायम रखने वाले चार सुतूनों में से एक सुतून है। अगर ये सुतून गिर गया तो नखलिस्तान बंजर हो जाएगा, रातें अंधेरी हो जाएंगी और दिन की रोशनी मांद पड़ जाएगी। पाए तख्त का अमन सुकून बर्बाद करने वालों को अपनी हर गलती और हर सांस का हिसाब देना होगा सुल्तान मौसम। मुझे अंदर कुछ काम है। ठीक है पाशा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो अंदर बैठकर इंतजार कर सकते हो। नहीं पाशा, मैं यहीं खड़ा हूं। ठीक है। आप सुल्ताने मौजम से मुलाकात करना चाहते हैं, किस सिलसिले में? दरअसल कल हमारी एक मेहमान सहाफी मैरी को महल के मुहाफिज यहां ले आए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैरी साहिबा एक बरतानवी शहरी हैं और सहाफी होने की हैसियत से उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। हमें उनकी फिक्र है कि उन्हें यहां किस लिए लाया गया है। मैरी साहिबा महल में सालिहा सुल्तान की मेहमान है, आप फिक्र ना करें। माजरत चाहता हूं, मैं आपकी बात से कायल नहीं हुआ। मैं मैरी साहिबा से मिलना चाहता हूं। आप नहीं मिल सकते उनसे क्योंकि वो महल में मौजूद नहीं। जब वो आएंगी तो आपके आने की तिला दे देंगे। मैं जानता हूं आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या है उनके साथ बताइए, मैरी साहिबा कहां है? खुश आमदी, बैठिए। मेरी साहिबा, आप यहां कैसे? आप इतने हैरान क्यों हैं जनाब विक्टर? जब महल के मुहाफिज आपको अपने साथ ले गए तो मैं परेशान हो गया कहीं आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तशरीफ रखिए। मैंने फौरन सिफारत खाने में तिला कर दी। सफीर साहब आपके लिए महल गए हैं। आप बिला वजह ही इतने परेशान हुए हैं। महल वाले मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? आप महल में रह रही हैं क्या? आपको वो लोग धमका तो नहीं रहे? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से वहां महल में रहने का फैसला किया है, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और मैं बहुत जल्द अब्दुल हमीद से मिलने वाली हूँ। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान मौज़म, ये वो तलबा हैं जिन्होंने अस्करी तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। आपने अस्करी तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, माशाल्लाह। हम आपसे चंद सवाल पूछना चाहते हैं। आप फौज की सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या हम यूरोप से पीछे हैं? सुल्तान मौज़म कहिए बेटी। सुल्तान मौज़म, हमारी फौज ने यूनान की जंग में फतह हासिल करके अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। हम जानते हैं कि बलकान तक कोई भी फौज हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, मगर एक चीज मात दे सकती है। हमें सिर्फ एक चीज मात दे सकती है। हम जवाब जानते हैं, लेकिन आपका जवाब जानना चाहते हैं हम। सुल्तान मौज़म, अगर कमांडर सियासी औहदों की तरह
एक दूसरे का मनसब हासिल करना चाहें और उसके लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करें तो मात मुमकिन है। आफरीन बेटे, माशाल्लाह, हम यही जवाब सुनना चाहते थे। बैठ जाइए। आप सबको अस्करी तरबियत दी गई है, शायद आपको 10, 20 या फिर 30 साल इंतजार करना पड़े, उसके बाद आपको मुनज्जम होकर हुक्म की ताबेदारी करनी होगी। आपको फने हर्ब में माहिर बनाया जाएगा, फिर चाहे फतह हो या शिकस्त, लेकिन आपको हर वक्त तैयार रहना होगा हर खतरे के लिए। रोमेलिया को छोड़कर अनातोलिया को मजबूत बनाने की बात की जा रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सुल्तान मौसम, बताइए बेटे। रोमेलिया सुल्तान फातेह की औलाद का है, फातेह सुल्तान मेहमद खान की यादगार है, हमारे शहीदों की अमानत है, हम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। माशाल्लाह बेटे, आप सब बहादुर जवान इस कौम का फखर हैं। बैठ जाइए। याद रखिए, हम एक जंगजू कौम है, हमें शिकस्त देने का वाहिद रास्ता फौजी निफाक है, उनका हदफ आप हैं, लेकिन हमारी नजात भी आप हैं। जब आपकी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी तो आप सबको रोमेलिया में फराइज तफवीज किए जाएंगे। अगर आप सियासत से दूर रहकर अस्करी जिम्मेदारियां निभाएंगे तो फतह आपकी होगी इंशाल्लाह। आमीन। मैं भूख से मर जाऊंगा, कुछ खाने को दे दो मुझे। मेरे होते हुए तुम भूख से नहीं मर सकते खबीस इंसान। मैं नहीं जानता अशरफ अजीज के वो कहाँ है, यकीन करो मैं नहीं जानता। हमें बस बंदरगाह पे हंगामा करने को कहा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। यकीन करो मैं उन लोगों को नहीं जानता कि वो कौन लोग थे और कहाँ है इस वक्त। नादर साहब, हम जब तक इस खबीस को कहीं और नहीं ले जाते आप यहां पर मौजूद रहे। अगर इसे बचाने के लिए कोई हाथ आगे बढ़े तो उसे काट दें। कमांडर, हम बाकियों को कैसे ढूंढेंगे? वो खुद हमारे पास आएंगे उस्मान, हम उनके आने का इंतजार करेंगे। तुम बच नहीं पाओगे अशरफ अजीज। ये लोग अंदर क्या कर रहे हैं? असलहा खरीदने आए हैं क्या? लगता है रियासत के पास असलहा नहीं है। तुम मेरी लाश अब्दुल हमीद के पास ले जाओगे तो भी वो तुम्हें मुआफ नहीं करेगा, वो मुझे जिंदा चाहता है। मेरी साहबा, मेरी साहबा, ठीक तो है ना आप? मुझे सांस नहीं आ रही। कमांडर,